प्रेम से बोली श्री गंगे मैया की जय हो के माँ गंगा जी, तेरे खेत में। बहुत अच्छे उस्ताद जो ओरी गले सही डोले चारी कन्हैया झूल तारी संग में रुक्मणी झूल रही हेरी गंगे माँ। ओ गंगा जी तेरे खेत में मैया ओ गले से ही पवित्र अमृत बन के माँ पर्वत ऊपर गई ठहर एक तप कर रखा उस भागीरथ ने जो खोद के लाया था तप कर रखा उस भागीरथ ने खोद के लाया 60,000 सकर के बेटे वो मुक्ति का पागे धाम अयोध्या के दौरे जाके तेरा गंगा जी धराया नाम। ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तेरी पूजा करते सुबह शाम। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तेरी पूजा करते सुबह शाम और सब कुछ है तेरे हेत में तेरी हो रही जयकार वैसे तो आप सब विद्वान हैं, आपके गांव में आपके इस इलाके में ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं कि ये गंगा पैदा कहां से हुई थी, गंगा का उद्गम कहां से हुआ था कि जिस समय राजा बलि ने 99 यज्ञ कर दिए थे और 100वां यज्ञ शुरू कर दिया तो इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र ने विचार लगाया कि यदि इस राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर दिए तो मेरा इंद्रासन ले लेगा, इसलिए इंद्र ने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु ये राजा बलि ये श्रीमान ओम प्रकाश जी योगी अपनी तरफ से 50 रुपये प्रदान करते हैं आज के इस कीर्तन में और ये गुड़गांव से मातेश्वरी की सुपुत्री बहन कैलाश भाई अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में आज के इस कीर्तन में 500 रुपये प्रदान करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु इस राजा बलि को रोकी, तो विष्णु भगवान उस राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए अपना भेष बदलते हैं, ब्राह्मण का भेष बनाते हैं और बावना रूप बनाते हैं। बावना रूप बना करके राजा बलि के घर पे चले गए और राजा बलि से दान लेने के लिए वचन ले लिए। राजा बलि ने 3 वचन दे दिए कि जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। उस समय विष्णु भगवान ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांग ली कि मेरे को रहने के लिए 3 पग जमीन दे दो। राजा बलि बड़ा खुश होता है कि बावन आंगण का है और 3 पग जमीन मांगता है। राजा बलि कहने लगा कि ब्राह्मण देवता ये सारा भूमंडल मेरा राज है, जहां भी आपको जरूरत हो वहीं से आप 3 कदम भर लो। विष्णु भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, इतना आकार बढ़ा लिया
कि एक पैर में पृथ्वी लोक को नाप लिया और दूसरे पैर में आकाश लोक को नाप लिया। और वो पैर वो चरण विष्णु भगवान का जब आकाश लोक को नाप रहा था, घूमता घूमता वो चरण जब स्वर्गपुरी में पहुंचा, ब्रह्मा जी महाराज के कमंडल को उस पैर की उस चरण की ठोकर लग जाती है और विष्णु भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से गंगा का उद्गम होता है। वहां से गंगा प्रकट हुई थी। और ये गंगा एक बार हमारे भारत देश में अपने ओरिजिनल भेष में, अपने असली भेष में भी आई थी। इसने क्या किया, कहां चली गई, सुनिए। बहुत अच्छे प्यारे यरी अष्ट वसु पैदा किए तन ऋषियों का तारा शराब, शांतनु कभी आई आई रे वसुओं का बनाया बाप, शील गंगे वना छोड़ करके फिर स्वर्ग में गई शील गंगे छोड़ के स्वर्ग में गई थी आप। तीन चरण तेरे मुख माओ मेरी एक चरण धर के आई, 900 मीली से पृथ्वी ऊपर वन के रूप कीर्ति छाई, ऋग श्याम अथर्व अद्रव चरु वेदु में बटाई गई, और एक दिन गई थी सने तुमरी लड़े अर्जुन कृष्ण मुरारी गंगा अपने असली भेष में औरत के भेष में हमारे भारत देश में भ्रमण कर रही थी। और उसी समय हस्तिनापुर का रहने वाला राजा शांतनु उसी वनखंड में चला जाता है, गंगा से मुलाकात होती है और गंगा की शान शकल रूप हुसन को देख करके राजा शांतनु मोहित हो गए। और राजा शांतनु ने गंगा से कहा, गंगा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, मेरे साथ में शादी कर। गंगा ने कहा कि मैं शादी तो आपके साथ कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, कि मैं आपसे शादी करके आपके घर पे चली जाऊंगी, उसके बाद मैं जो भी काम करूंगी मेरे को रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, पूछोगे नहीं। जिस दिन आप मुझे रोक दोगे, टोक दोगे, पूछ लोगे, शर्त तोड़ दोगे, उसी दिन मैं आपके घर से चली जाऊंगी। भैया बीच में रोड़ा क्या का होगा, ये सका एक सितारा काम में नहीं। मेरे याद समझ में नहीं आ रही कि मुंह मांगत मां बूंदिया खा रहा, तो फिर बोल रहा कितक हो, बोल रहा ठीक है होता भी और तो दूसरा। हां मारू कई देर से चक्कर पड़ रहे, बोल रहा ठीक है। राजा शांतनु ने गंगा की वो शर्त मंजूर कर ली और गंगा के साथ में शादी करके अपने घर पे ले आए। सजनों जो ही गंगा से शादी हुई घर पे ले आए, अब उस गंगा के गर्भ से संतान पैदा होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सात संतान पैदा होती हैं, सातों लड़के। लेकिन जो ही लड़के का जन्म होता गंगा उसे गोद में उठाती और नदी में बहाती। सातों पुत्रों को नदी में बहा दिया। राजा शांतनु मजबूर था क्योंकि शर्त में जकड़ा हुआ था, पूछ नहीं सकता था। सात पुत्रों को भवा दिया, मार दिया। आठवां गर्भ हुआ। राजा शांतनु ने सोचा कि ये कैसी औरत है, कैसी मां है ये। जिस औरत को बच्चे नहीं होते हैं, संतान नहीं होती है, वो औरत पत्थर पत्थर को देव कर लेती है। उस औरत को बता दो, पांच औरत को बता दो कि हजार कोस पे कोई बाबा जी झाड़ा लगता है, झाड़ा लगवा ले, तेरे संतान हो जाएगी। बिचारी उधारा पैसा लेके किराया लेके जागी।
कोई बता दे 100 कोस पर कोई ताबीज दे से उठे भी जागी, लेकिन ये कैसी माँ है भगवान इसको संतान दे रहा और अपनी संतान को अपने हाथों से मार रही। आठवीं संतान पैदा हुई वो भी लड़का ही हुआ, उस आठवें लड़के को लेकर के गंगा जब चली, राजा शांतनु का दिल कांप गया, गंगा के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा ठहर, कैसी बेदर्द माँ है तू, कैसी औरत है, मुझे तो लगता है कि तू औरत नहीं, औरत के भेष में कोई डायन है। अरे अपने पुत्रों को खुद मार रही है अपने हाथ से, तूने तो ममता खो दी, तूने तो अपने पुत्रों को मार दिया, लेकिन मैं तो बाप हूं, 7 पुत्र मेरे मार दिए, ये 8वां पुत्र तेरे को मारने नहीं दूंगा, क्यों कर रही है ऐसा। गंगा ने कहा मेरे से कुछ भी पूछने से पहले अपनी शर्त याद करो, मैंने शर्त लगाई थी। राजा शांतनु बोले आग लग तेरी शर्त के, 7 बेटा ने मार दिया, यो 8वां पुत्र नहीं मारने दूंगा तेरे को, इधर दे मेरा लड़का। गंगा उसी समय वो 8वां पुत्र राजा शांतनु को सौंप देती है कि ये अपना लड़का थाम और मैं चली मेरे धाम। वो 8वां लड़का शांतनु को सौंप दिया, गंगा वापस स्वर्ग में चली गई। वो 8वां लड़का कोई और नहीं था, यही था महाभारत का भीष्म, जिसका बचपन का नाम शील गंगेव था, जिसे देवव्रत भी कहते हैं, जिसे गंगा पुत्र भी कहते हैं, शील गंगेव भी कहते हैं, भीष्म भी कहते हैं। सजनों अब स्वर्ग से, ये तो आप सभी को मालूम है कि इस गंगा को पृथ्वी पर लाने वाला राजा भागीरथ, तपस्वी भागीरथ। अभी एक लाइन आई थी कि 900 मील इस पृथ्वी ऊपर, यानी हमारे भारत देश में गंगा जहां से स्टार्ट होती है और जहां जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये पूरी दूरी 900 मील की है, यानी 2650 किलोमीटर, 2650 किलोमीटर। अब रास्ते में कौन कौन से पवित्र धाम है, कौन कौन सी जगह अस्थियां प्रवाहित की जाती, कौन कौन सी जगह इस गंगा के ऊपर कुंभ के मेले लगते हैं, सुनिए। यरि गौमुख, हमारे देश में गंगा गौमुख से स्टार्ट होती है। हाँ गौमुख बद्री नारायण रे लक्ष्मण झोला छुट्टी लहर हरिद्वार और ऋषि के समा कंखल में अमरत की गैर एक मुक्तेश्वर इलाहाबाद दया जी पवित्र शहर, मुक्तेश्वर इलाहाबाद दया जी पवित्र शहर, कलपत्य न सिद्धि होली हावड़ दिखाई शान, समुद्र में जाके मिल की सागर का बढ़ाया मान, सूर्य जी ने अमृत पी के अपो जल का किया वखान, चढ़े थे जने तमरी उड़े बरसी मुसलदार कन्हैया झूल तारे सगड़े गंगे मां तेरे अंदर आने आला, ओ गंगे राम
गोरी रूड़ी जागा लास्ट में ब्राह्मण ने बहुत बढ़िया लाइन लिख दी, रूड़ी जागा तेरी रे तुम्हारी कितनी तो है प्रेम से बोली श्री गंगे मैया की।